कन्हैया आया गोपाल कन्हैया, अरे आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया। चित माखन चोर है जाके माथे सिर मोर है, माटी से मुख सजा माखन की पालकी, हीरे मोती अनसी लागे अखियन गोपाल की। हमारे गुरु दादा भगवान गीता भगवान को करोड़ों करोड़ों वंदन है, करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है। जगत के समस्त देवी देवताओं को महात्माओं को हमारा दंडवत प्रणाम है, हमारे करोड़ों नमन है। जगत के समस्त प्राणियों को हमारा वंदन है, हमारा नमन है। और हमारे बहुत बहुत प्रिय आप सभी सत्संग प्रेमियों को गुरु का ढेर सारा आशीर्वाद और बहुत बहुत सारा प्रेम और स्नेह। तो कल हमने पुष्टि भक्ति माता यशोदा और लाला की बातें सुनी है ना। अब आज हम ले रहे हैं यमला अर्जुन उद्धार। अब लाला जो है वो उखल से बांध दिए गए, अब उखल को वो खींच कर ले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं देखिए, तो नवे अध्याय में बंधन लीला और दसवें अध्याय में मोक्ष लीला है। यमला अर्जुन उद्धार मोक्ष कथा है। यमला अर्जुन पूर्व जन्म में राजा कुबेर के पुत्र थे, नलकुबर और मणिग्रीव। इन दो यक्षों को नारद जी के श्राप के कारण वृक्षों का अवतार लेना पड़ा था। परीक्षित जी ने पूछा, नारद जी ने उनको श्राप क्यों दिया था? तो सुखदेव जी वर्णन करने लगे, राजन सुनिए, नारद जी ने क्रोधवश नहीं कृपा पूर्वक उन्हें श्राप दिया था। और देखिए इसमें मुझे याद आ गई बात कृपा पे, कि भगवान की तीन शक्तियाँ होती हैं, एक ऐश्वर्य शक्ति, एक कृपा शक्ति और एक करुणा शक्ति। तो भगवान रस्सी से जो बंधे, तो पहले तो ऐश्वर्य शक्ति ने कहा, अरे वो रस्सी में प्रवेश कर गई कि ये साधारण ग्वालन कैसे भगवान को बांध लेगी। तो ऐश्वर्य शक्ति जो है रस्सी में प्रवेश कर गई तो बांध ही नहीं पाई यशोदा मैया। फिर कृपा शक्ति भी आई, फिर भी नहीं बांध पाई। फिर जब उन्होंने देखा कि वह हार गई बांधते बांधते, कन्हैया ने देखा इतनी बेचारी पसीने पसीने हो गई, रस्सियों पर रस्सियाँ आ रही हैं, रस्सियों पर रस्सियाँ आ रही हैं, वो बांध ही नहीं पा रही। यानी तिल भर की तो लाला की कमर है, और ना बड़ी होती है कमर ना छोटी नहीं होती है, फिर ये बंधता क्यों नहीं है? बेचारी जब हार गई दीन हो गई तो भगवान की करुणा शक्ति ने काम किया। तो हम भी जब दीन हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम भी जब दीन हो जाते हैं, दैन्य आ जाता है, तो भगवान की करुणा शक्ति
काम करती है और हम भगवान को बांध पाते हैं। तो परीक्षित ने पूछा, नारद जी ने उनको श्राप क्यों दिया? तो सुखदेव जी वर्णन करने लगे, राजा सुनिए, नल कुबेर और मणिग्रीव को पिता की अपार संपत्ति मिल गई थी। ये दोनों कुबेर पुत्र धन के मद में सुध-बुध खो बैठे थे। दोनों मदरा पान करके गंगा किनारे आए और गंगा के पवित्र जल में युवती स्त्रियों के साथ नग्न अवस्था में जल क्रीड़ा करने लगे। उसी समय देवऋषि नारद वहीं से जा रहे थे। ऐसा दृश्य देखे उनको दुख हुआ। नारद जी को देख के सभी युवतियों ने झट अपने तन ढक लिए, किंतु इन दोनों ने फिर भी अपने शरीर को नहीं ढका। नारद जी ने सोचा, इन्हें इतना सुंदर शरीर मिला है, फिर भी इसका दुरुपयोग ही कर रहे हैं। सच है, धन संपत्ति का नशा बुद्धि को सबसे ज़्यादा खराब करता है। हम कहते हैं ना, पैसा 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 पैसा, पैसा आए पैसा आए, धन आए धन आए। कह रहे, जितना पैसा बुद्धि को खराब करता है, उतनी कोई चीज़ नहीं खराब करती। तो भक्ति मांगिए भगवान से, भगवान का प्रेम मांगिए, और जहाँ भक्ति होती है, भगवान का प्रेम आता है, धन तो अपने आप आता है। जहाँ भगवान है, वहाँ विजय श्री लक्ष्मी सब है। पर आप धन मत मांगिए। मैं ये नहीं कह रही धन बुरा है, धन आता है, जहाँ भगवान आते हैं वहाँ धन आता है। अब इनके पास ज़्यादा धन था, खाली धन था, देखिए भगवान नहीं थे। लक्ष्मी भगवान के साथ आती हैं तो सुख देती हैं, और बिना भगवान के आती हैं तो दुख देती हैं। तो जब पैसा बढ़ता है तो व्यक्ति स्त्री जुआ और शराब में फंस जाता है। तो पैसा अपने साथ 15 अवगुण लाता है, 15। ये क्षणभंगुर और नाशवान शरीर तो साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है। विचार करें, ये शरीर किसका, ये शरीर किसका? माता का, पिता का, नाना का, चित्ता की धधकती आग का, या कुत्ते वे स्यार का भोजन है? किसका है ये शरीर? क्षण क्षण ये शय को प्राप्त हो रहा है। ये शरीर संसारिक सुख उपभोग के लिए नहीं है, ये शरीर तो भगवान का है और भगवान की ही सेवा करने के लिए है। जो मनुष्य इसे प्राप्त करने के बाद अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रखता तथा भगवान के चरणों की शरण ही नहीं लेता, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है। वह स्वयं अपने आप को धोखा दे रहा है। जो अपनी इस शरीर, मनुष्य शरीर मिलने पर अपने को भगवान की शरण में नहीं लेता, तो अपने आप को धोखा दे रहा है। तो भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान से अपनापन करना चाहिए, उसकी दृढ़ता करनी चाहिए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। यही मनुष्य शरीर का उद्देश्य है। भगवान को याद रखें और जो सेवा मिली है वो होने दें। नारद मुनि विचार करते हैं, जो दुष्ट संपत्ति के मद में अंधे हो रहे हैं, उनके लिए दरिद्रता ही अंजन है। जब गरीबी आती है तो इंसान का घमंड चूर चूर हो जाता है। तो कभी धन का अहंकार मत करिए। नाव में बाढ़ो पानी, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सियानों का। दरिद्रता में घमंड और अकड़ नहीं होती। जब पैसा नहीं होता तो दरिद्रता और अकड़ नहीं होती। यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए सुलभ है, क्योंकि दरिद्र के पास न धन है न ही धन का अभिमान। दरिद्र में केवल धन की तृष्णा होती है, जो सत्पुरुषों के सत्संग से मिट जाती है। केवल धन चाहता है, उसमें और कोई बात नहीं होती। और पैसे वाले के अंदर तो बहुत सारी बातें होती हैं। आज मुझे एक साधक ने बताया कि वो जिस टैक्सी में कहीं जा रहे थे, उनको किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना था, तो टैक्सी वाला बोला कि हमारे जो मालिक हैं, उनके पास 19-20 टैक्सियाँ हैं, 20। तो उनके साथ बहुत बुरा हुआ। पूछा, भाई क्या हुआ? तो बोले, उनका लड़के ने 12वीं का पेपर दिए थे तो अच्छे नहीं हुए, तो वो उससे कूद कर 20वीं मंजिल से कूद के और शरीर
आत्महत्या कर ली। अब माता पिता प्रेशर डालते हैं ना, पढ़ो 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 पढ़ो। फिर उसने बताया कि न्यूज़ में आया था कि 12वीं के एक बच्चे का महाराष्ट्र में हार्ट फेल हो गया एग्ज़ाम देते देते। ये तो हालत हो रही है देखिए बच्चों की। तो गुरु भगवान ने तो बिलो 10 भी सत्संग शुरू करा है, अबव 10 भी शुरू करा है। सैटरडे को अबव 10 होता है और संडे को बिलो 10 होता है सत्संग 4 से 5, और सैटरडे को 4 से 5 अबव 10 होता है। तो पैसा, हम तो कहते हैं पढ़ो, पैसा हो पैसा हो पैसा, पैसा तो हो पर बच्चे निर्भय भी तो बने, उनके अंदर भगवान से प्रेम भी तो आए। जहाँ प्रेम होता है, भगवान से अपनापन होता है, जहाँ भजन होता है, जहाँ निर्भयता होती है, वहाँ वो सब हर प्रेशर को फेस कर पाते हैं। जब उनके साथ कान्हा जी होते हैं, जो गुरु होते हैं, तो हर प्रेशर को फेस कर पाते हैं। इन कुबेर पुत्रों की दशा देखकर नारद जी को दया आ गई। उनको सरमार पे लाने के लिए नारद मुनि ने उन्हें श्राप दिया, तुम दोनों जड़ की भांति नंग धड़ंग खड़े रहे, इसलिए जाओ वृक्ष की भांति जड़ हो जाओ। श्राप सुनते ही नलकूबर और मणिगिरी पछताने लगे। वे नारद जी की शरण में गए और क्षमा करो मुनिवर, क्षमा करो। नारद जी ने कृपा करके कहा, तुम दोनों का जन्म गोकुल में नंद बाबा के आंगन में वृक्ष योनि में होगा। वृक्ष योनि में जाने पर भी तुम्हें मेरी कृपा से भगवान की याद बनी रहेगी। देखिए कितनी कृपा है गुरु की, संतों की कितनी कृपा है। 36,000 वर्ष बीतने पर तुम्हें भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। कितने वर्ष? 36,000 वर्ष। तब कन्हैया के चरण स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। ये श्राप था या आशीर्वाद? आशीर्वाद। बोला, गुरु की गाली घी की नाली, गुरु की गाली घी की नाली, गुरु की गाली जो है वो मोहन थाल से भी मीठी। क्यों? वो हमारा अहंकार गलाती है और भगवान से मिलाती है। हम ईगोइस्टिक हो जाते हैं ना, तो गुरु जब डांट पड़ती है तो समझ लें कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं ईगो आ रहा है, हम ज़्यादा बाहर मुखी हो रहे हैं। डांट पड़ जाती है, हम एकदम अपने अंतर्मुखी हो जाते हैं। नारद जी ने श्राप तो दिया, किंतु संतों का क्रोध, संतों का श्राप भी आशीर्वाद सा ही होता है। गोकुल के वृक्षों का अवतार लेने की अभिलाषा तो महान ऋषियों को भी होती है। अब चलते हैं जहाँ भगवान उखल से बंधे हैं। गोपियाँ तो गई गोबर पातने, सारे ग्वाल बाल गए गैया चराने, मैया गई माखन निकालने, और कृष्ण कृष्ण क्या कर रहे हैं? दैत्य आई। भगवान श्री कृष्ण अपने परम प्रेमी देवऋषि नारद की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटते हुए यमला अर्जुन वृक्षों के बीच में घुस गए। वे तो दूसरी ओर निकल गए, परंतु उखल टेढ़ा होकर अटक गया। दामोदर भगवान की कमर में तो रस्सी कसी हुई थी, अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को ज्यों ही उन्होंने तनिक सा खींचा, तो ही दोनों पेड़ की जड़ें उखड़ गईं और दोनों पेड़ तड़ातड़ जमीन पर गिर पड़े। बोलिए दामोदर भगवान की जय। लेकिन आवाज़ एक ना हुई। क्यों? क्योंकि भगवान की लीला में सहयोगी योग माया ने अपने प्रभाव से उस जोरदार तड़तड़ाहट की आवाज़ को रोक दिया। इन दोनों वृक्षों से अग्नि के समान तेजस्वी दो सिद्ध पुरुष निकले। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी श्री कृष्ण के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। भगवान की स्तुति करते हुए बड़े ही सुंदर वरदान मांगते हैं। हे प्रभु, आज के बाद हमारी वाणी से अगर कुछ निकले तो आपका नाम निकले, यह आपकी कथा निकले, यह आपकी बात निकले, या सत्संग चर्चा निकले। इधर उधर की चर्चा करने में से समय व्यर्थ होता है, वे वाणी की शक्ति समाप्त होती है। डोंट वेस्ट टाइम। हमारी सारी वाणी भगवान में लगे, शक्ति भगवान में लगे।
कानों से हम कुछ सुने तो उस आपका गुणानुवाद सुने, आपका कीर्तन सुने, आपकी कथा सुने, सत्संग सुने। हाथों से अगर कुछ काम करें तो आपकी सेवा, मंदिर की सेवा, संतों की सेवा। हाथ तभी सार्थक है, जो काम करें भगवान के लिए करें। मन हमेशा आपके चरणों का स्मरण करता रहे, क्योंकि मन अपने नियंत्रण में तो है नहीं, अतः वरदान मांगा मन आपके चरणों का स्मरण करता रहे, मन भगवान के शरणागत रहे, है ना। मन क्या करे, भगवान के शरणागत रहे। हमारा मस्तक सभी को प्रणाम करने के लिए झुकता रहे, क्यों, क्योंकि सभी के अंदर स्वयं आप विराजमान है। हमारा सर सभी के आगे झुका रहे, क्योंकि सब में आप विराजमान है। सिया राम में सब जग जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब जगत सिया राम में है। और दृष्टि, ये तो भगवान का दर्शन या संतों का दर्शन, इन्हीं दोनों कामों में हमारी आंखें लगी रहें और कुछ न देखें। वासुदेव सर्वम देखें, वासुदेव सर्वमति देखें, दूसरा न देखें। ऐसी सुंदर प्रार्थना हमें, हम सभी को करनी चाहिए। भगवान ने नल, कुबेर और मणिग्रीव को वरदान दिया और वो भगवान के धाम को चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उखल से बंधे हुए भगवान आगे चल पड़े। योग माया के प्रभाव से, वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था, उसे नंद बाबा आदि गोपों ने अब सुना। अब सुनाई दिया उनको। ऐसा भयंकर शब्द सुनकर नंद बाबा, यशोदा मैया, ग्वाल बाल, गोपियां सब के सब दौड़े वृक्षों के पास आ गए। नंद बाबा ने देखा कि कन्हैया की कमर में रस्सी बंधी है, ओखल पीछे से घसीटते हुए चले जा रहे हैं। बाबा ने पूछा, इन वृक्षों को किसने गिराया? बच्चों ने कहा, कन्हैया ने गिराया। ओखल को दोनों वृक्षों के बीच में फंसा दिया, खींचा और वृक्ष गिर गए। नंद बाबा को विश्वास नहीं हुआ। ठीक है, जिसने भी गिराया, पहले तो मैं कन्हैया की रस्सी खोलूँगा, कमर में निशान बन गया है। यशोदा मैया ने बांधा और बाबा ने खोला। भगवान को बांधता है तो भक्त, और भगवान को मुक्त करता है तो भक्त। भगवान भक्त के अधीन है। भगवान किसके अधीन है? भक्त के। भगवान को कोई बांध सकता है तो भक्ति बांध सकता है। नंद बाबा ने लाला को रस्सी से मुक्त करा और गोद में उठा लिया और पूछा, लाला तुमको इतनी जोर से किसने बांधा था? कन्हैया बड़े नटखट हैं, कान में बताते हैं, मैया ने। नंद बाबा ने कहा, मैया ने बांधा था, अब मैया के पास कभी मत जाना। कन्हैया बोले, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। गोपियां हंसने लग गईं। गोपियों ने कहा, नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। दूध किसका पियोगे? गैया का पी लूंगा। सोओगे कहाँ? बाबा के पास सो जाऊंगा। सारी योजना बता दी। अब मैया तो रोने लग गई। मैया ने इसलिए थोड़ा बांधा था कि लाला नाराज़ हो जाए, कहीं भाग ना जाए, इसलिए बांधा था। कन्हैया इतने नटखट, पूरा दिन बिता दिया, मैया के पास गए ही नहीं। अब मैया बड़े परेशान, रात्रि हो गई। कन्हैया ने गाय का दूध पी लिया और बाबा के पास लेट गए। अब बाबा उनको भजन सुनाते, कथा सुनाते कि लाला सो जा, लाला सो जा, सो जा। लाला बोले, नींद नहीं आ रही बाबा। नंद बाबा ने पूछा, कैसे आएगी नींद? कन्हैया बोले, नींद तो मैया के पास ही आएगी। नंद बाबा ने बोला, तू दिन भर मुझे तंग कर रखा है, मैं तो जानता था कि तू और तेरी मैया एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, जा तू यहाँ से। कन्हैया झट उछलकर मैया के पास पहुंच गए और उनसे निपट गए। यशोदा मैया तो इंतज़ार कर ही रही थी। अब तो मैया उन्हें बड़े प्रेम से लोरी सुनाकर, गाकर सुलाने लगी। अब ये है सुखिया मालिन की श्री कृष्ण सेवा। ये कुछ नए तरह से आप सुखिया मालिन की कथा सुनेंगे।
वृंदावन में सुखिया नाम की एक मालिन रहती थी। वह गोकुल में गोपियों के घर पुष्प तुलसी देने जाती थी। जब जब वह जाती, गोपियों से लाला की बातें सुनती। लाला ने कल ऐसा किया, लाला ने आज ऐसा किया। रोज़ रोज़ कृष्ण कथा सुनने से उसे कृष्ण कथा सुनने का व्यसन सा हो गया। उसे अच्छी लगने लगी भगवान की बातें। जब तक लाला की बातें न सुनती, उसे अच्छा ना लगता। धीरे धीरे उसके हृदय में कृष्ण प्रेम अंकुरित हो गया और लाला के दर्शन की भावना हुई। वे सोचती है कि गोपियाँ जिसकी बातें करती हैं, वह कन्हैया कैसे होगा। मुझे लाला के दर्शन करने हैं। अब तो मालिन रोज जाकर यशोदा जी के आंगन में खड़ी रहती, सोचती है कि कन्हैया बाहर निकलेगा और मैं उसके दर्शन करूंगी। मालिन की कृष्ण दर्शन की बहुत इच्छा है, पर साथ साथ उसके मन में अनवासनाएं भी हैं। हम लोग भगवान को चाहते हैं, पर हमारे मन में अनवासनाएं भी हैं। जब तक संसार की एक भी वासना मन में रहती है, तब तक जीव प्रभु के दर्शन योग नहीं होता, है ना। एक भी मन में और वासना रहती है तो प्रभु के दर्शन योग नहीं होता है। मालिन जब जब दर्शन करने आती, कन्हैया भीतर ही बैठा रहता, बाहर निकलता ही नहीं। कई दिनों तक ऐसा होता रहा। मालिन लाला की प्रतीक्षा करती है, पर लाला बाहर नहीं आता। एक दिन मालिन ने भूदेव से पूछा, भूदेव मतलब पृथ्वी देवता से पूछा, महाराज जब जब मैं वहाँ जाती हूँ, कन्हैया बाहर ही नहीं आता। गोपियाँ कहती हैं वे प्रेम में है, मेरे कुछ पाप होंगे, इसी कारण मुझे उसके दर्शन नहीं होते। मुझे लाला के दर्शन हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। भूदेव ने कहा, सुबह उठकर जब ध्यान में बहुत तन्मयता होती है, तब उसके दर्शन होते हैं। देह बुलाया जाता है तभी प्रभु दिखाई देते हैं। जब तक देहाध्यास है, भगवान नहीं दिखते। जिसे याद रहता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, से प्रभु उसके दर्शन ठीक से नहीं होते। इसलिए तुम भगवान का ध्यान स्मरण कर। मालिन ने कहा, महाराज ये ध्यान व्यसन तो मुझसे होगा नहीं, सुबह से ही मैं कैसे ध्यान करूं। भूदेव ने कहा, अच्छा तो लाला की सेवा घर में ही करना। मालिन ने कहा, महाराजा मैं लाला की सेवा कैसे कर सकती हूँ, बहुत से काम रहते हैं मुझे। भूदेव ने कहा, लाला के लिए कोई एक नियम तो लेना ही पड़ेगा। भक्ति के लिए तुम एक कोई ना कोई नियम लो। हमने क्या नियम लिया है भगवान के लिए? हमारे पास कोई नियम है? गुरु जी चार नियम बताते हैं, सत्संग, भजन, अध्ययन और सेवा। ये चार में अपने को व्यस्त रखिए। तो नियम कहते, कोई ना कोई नियम लो। सत्संग रोज़ सुनेंगे, इतना अध्ययन करेंगे, ये पाठ करेंगे, कुछ ना कुछ किताब ज़रूर पढ़िए, कोई ना कोई ग्रंथ ज़रूर पढ़िए। गीता का पाठ करेंगे, भागवत जी का पाठ करेंगे, रामायण का पाठ करेंगे, कुछ तो करिए। तो कहते कोई ना कोई नियम तो लेना होता है। मन तो छलिया है, मन को पाप करने की छुट्टी मत दीजिए। एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप। खाली मन दिमाग का घर, शैतान का घर है। एक बार मन को पाप करने की छुट्टी देने पर पुनः पुनः वह मांगेगा, फिर मन को पाप करने का व्यसन हो जाएगा और जीवन ही बिगड़ जाएगा। अतः आप अपने मन को किसी नियम में बांध लो, उसे मुक्त ना रखो। भक्ति का कोई एक नियम लीजिए, तभी कथा का पूर्ण फल मिलेगा। कुछ नियमों में अपने मन को बांध के रखिए। इतना सत्संग जरूर सुनते हैं, भजन इतना ज़रूर करते हैं, पाठ ज़रूर करते हैं, कुछ नियम बनाइए। भूदेव ने मालिन से कहा, तुम्हें कोई नियम तो लेना ही पड़ेगा। महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मैं रख सकूँ, ऐसा नियम दीजिए। भूदेव ने सोचकर कहा, मालिन तुम नंद बाबा के आंगन में खड़ी रहती हो ना, वे अच्छा नहीं है। तुम आज से नंद बाबा के महल के 108 प्रदक्षिणा करने का नियम ले लो। 108 चक्कर काटा करो, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। प्रभु को जब तब दया आएगी। प्रदक्षिणा करते करते प्रभु से प्रार्थना करना कि हे परमात्मा, मुझे आपके दर्शन हो। जब भी हम भजन करते हैं तो वो भी क्या करते हैं, रास करते हैं। बीच में राधा कृष्ण है, सुमेरु है ना, तो वो बीच में राधा कृष्ण है।
तो हम भी वो गोपियों का रास कर रही हैं और हम भी उनकी प्रदीक्षिणा कर रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो कह रहे हैं बड़े ध्यान से करो, भगवान से प्रार्थना भी करते जाओ। तो जो भजन है वो भगवान की पुकार है, भगवान से प्रार्थना है। मालिन ने सोचा इसमें तो दो पैसे का भी खर्चा नहीं है, मुझे हर रोज़ गोकुल में तो जाना ही पड़ता है, मैं आंगन में खड़ी रहती हूँ, ये तो अच्छा नहीं है। इससे आज से हर रोज़ 108 प्रदीक्षिणा का नियम लूँगी। उसने कहा, महाराज प्रदीक्षिणा कैसे करनी है ये समझाइए। भूदेव ने कृष्ण के स्मरण में हाथ जोड़कर प्रदीक्षिणा करनी चाहिए, मन से स्मरण करना और जीभ से भगवान के नाम का जप करते हुए प्रदीक्षिणा करना। प्रदीक्षिणा कर रहे हैं तो धीरे धीरे चलना, दौड़ मत लगाना, धीरे धीरे भगवान को याद करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए तब प्रदीक्षिणा करना, मतलब परिक्रमा करना। मुझे कृष्ण लाला के दर्शन कब होंगे? 3 वर्ष तक तुम नियम से परिक्रमा करो, गुरु भी कहते हैं ना 3 वर्ष तक अभ्यास करो तो तुम्हें अनुभव होगा, लाला को अवश्य ही तुम पर दया आएगी और तुम्हें दर्शन देगा, वह बहुत प्रेम में है, अति उदार है। मालिन हर रोज़ नियम से नंद बाबा के राजमहल के 108 प्रदीक्षिणा करती, प्रदीक्षिणा करते हुए लाला को मनाती, नंद कुमार बाहर आइए मुझे दर्शन दीजिए। धीरे धीरे 3 वर्ष व्यतीत हो गए, मालिन का मन शुद्ध हो गया, अब तो कृष्ण दर्शन के लिए उसके प्राण तड़पने लगे। मालिन सोचती है, गोपियाँ कहती हैं लाला बहुत प्रेम में है, चुम चुम करके बाहर आता है, मैं कब से लाला के पीछे पड़ी हूँ, अभी तक मुझे एक बार भी दिखाई नहीं दिया। मालिन ने निश्चय किया, आज लाला के दर्शन किए बिना पानी भी नहीं पीऊँगी। सुंदर सरस फलों की टोकरी सिर पर और पुकार रही है, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। माधव के दर्शन की तीव्र लालसा से उसे आत्म अनुसंधान भूल जाता है, बुद्धि छिन्न छिन्न हो जाती, छिन्न भिन्न हो जाती है और माधव का चिंतन सिर माथे ऐसा चढ़ता है कि वो फल लो की जगह कहने लगती है, माधव लो, माधव लो, माधव लो। अब इतना प्रेम है उनका, गोपियों का, मालिन का, कि उन्हें लग रहा है, कह रही है कोई माधव लो, कोई माधव लो। जैसे हमारा किसी से बहुत प्रेम हो, बुलाएंगे किसी और को, वो निकलेगा मुँह से उसका नाम, तो उनके मुँह से किसका नाम निकल रहा है? भगवान का। सतत कृष्ण चिंतन व नाम स्मरण से मालिन के भगवत दर्शन की सारे प्रतिबंध नष्ट हो गए, जितनी भी उसके मन में वासना आई थी सब नष्ट हो गई। उसके हृदय के अंतस्थल से निकली सच्ची पुकार लाला के कानों तक पहुंच जाती है, अजी जो भगवान चीटी के नूपुर की ध्वनि भी सुन लेते हैं, वो भक्त की पुकार कैसे अनसुनी कर सकते हैं? चीटी के पैर में घुंघरू बंधे हों तो वो भी भगवान सुन लेते हैं, तो भक्त की पुकार कैसे अनसुनी कर सकते हैं? भगवान तो प्रेमी हैं, सिर्फ प्रेम चाहते हैं। किए हुए कर्म का फल देने वाले भगवान की आज फल लेने की इच्छा हो गई, मैं भी फल लूँ। लाला ने सोचा, ये जीव 3 साल से मेरे पीछे पड़ा है, इसकी भक्ति को दृढ़ करने के लिए आज मैं इसे दर्शन दूंगा। बालकृष्ण दौड़ते हुए बाहर आए, 5 वर्ष का कन्हैया बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। अब आप लोग सब जरा अपने इमेजिनेशन को, कि कन्हैया कैसा लग रहा है, आप लोग अपने मन में उनका उसका चित्रण करिए। 5 वर्ष का कन्हैया है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, यशोदा माता ने पीताम्बर पहनाया है, स्वर्ण की करधनी है, सोने की करधनी है, बहुत सुंदर सजाया हुआ है, कानों में कुंडल है, बाजूबंद पहने हैं, नाक में मोती लटक रहा है, माथे पे सुंदर तिलक है, रेशम से बाल हैं, मोर पंख का मुकुट है, हाथ में छोटी सी बांसुरी है, चरणों में स्वर्ण के नूपुर हैं, छुम 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 करके चलता है, लाला की आंखों से प्रेम में प्रेम भरा है। लाला ने दोनों हाथ आगे किए और मांगने लगे, मुझे फल दो। मालिन को बाल कृष्ण के दर्शन हुए, 4 आंखें जब मिलती हैं तब दर्शन में बहुत आनंद आता है। कन्हैया प्रेम से मालिन को देखता है
और मालिन को लाला के दर्शन से बहुत आनंद होता है। कितना सुंदर, कितना मनमोहन है, यशोदा माता ने बहुत पुण्य किए होंगे तभी तो ऐसा बालक का उनके उनके उदर से जन्म हुआ है। लाला को मेरी नज़र ना लग जाए, मेरी आँखें बहुत ख़राब हैं। लाला के दर्शन के बाद मालिन की लाला के साथ बोलने की इच्छा हुई, उसका प्रेम क्षण क्षण बढ़ रहा है। मालिन ने सोचा यदि लाला के हाथ से फल यूं ही रख लिया तो वह झट भीतर लौट जाएगा, इसलिए उसने लाला से कहा, बेटा मैं फल देने नहीं बेचने आई हूँ, तुम थोड़ा सा अनाज ले आओ। बालकृष्ण दौड़ते हुए भीतर गए। मालिन ने आज अनाज तो मांगा पर बाद में उसे दुख होने लगा। वे सोचने लगी कि मुझसे गलती हो गई, इसने फल क्या मेरे प्राण भी मांगे होते तो कम थे। भगवान के लिए हम कुछ भी अर्पण करने को तैयार रहना चाहिए। ये तो प्रेम के कारण ही बाहर आया है, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। मालिन सोच रही है कि अब लाला अब कब बाहर आएगा। फिर सोचती है, नहीं, उसने मुझे कहा है मैं आऊँगा, वह अवश्य आएगा। मालिन का प्रेम बहुत बढ़ने लगा। हमें विश्वास होना चाहिए भगवान मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। गुरु तो कहते हैं ना, भगवान तो मिले मिलाए हैं, बस हमें उनके सम्मुख होना है। सम्मुख होए जी मोहि जमई, जन्म कोटि अग्नाशय तभी। मालिन के घर में 8 कन्हैया थी, एक भी पुत्र ना था। लाला को देखकर उसके मन में ऐसा प्रेम जागृत हुआ कि मेरा भी ऐसा पुत्र हो तो कितना अच्छा है। यशोदा माता जब बालकृष्ण की गोद को गोद में लेती नहीं तब उन्हें कितना आनंद आता होगा, क्या मुझे भी कभी ऐसा आनंद मिलेगा। लाला को देख के मालिन के मन में ऐसा भाव जागा कि कन्हैया 2 मिनट को मेरी गोदी में आ जाए, वह राह देख रही है। बालकृष्ण घर में गए, अपने नन्हे नन्हे हाथों की मुट्ठी से चावल लेकर दौड़ते हुए लौटते हैं। लाला के हाथ बहुत कोमल है, आप सब चित्रण करते रहिए। रास्ते में चावल बिखर जाते हैं, थोड़े से चावल मुट्ठी में बचे हैं, फिर मालिन की टोकरी में डाल देते हैं। मालिन के हृदय में प्रेम है, ऐसी भावना कि ये बालक मेरी गोदी में आ जाए, पर मैं ऐसा कैसे कहूँ तू मेरी गोदी में आ जा, ऐसा मुझसे कैसे कहा जाएगा। उसके हृदय का प्रेम बालकृष्ण समझ गए, बालकृष्ण लाला की गोद में आ गए। बालकृष्ण उसकी गोद में आ गए, वे गोद में बैठ गए। मालिन को आनंद मिलने लगा, उसका प्रेम बढ़ने लगा। उसके मन में ऐसा प्रेम जगा कि कन्हैया मुझे एक बार माँ कह के पुकारे, मुझसे ऐसा कहा तो नहीं जाएगा। मालिन शोभ के कारण ऐसा नहीं कह पाती कि तुम मुझे एक बार माँ कहकर पुकारो। लाला को दया आ जाती है, कन्हैया सोचती है इसकी ऐसी भावना है कि मैं इसका पुत्र हो जाऊँ तो सभी का पुत्र हूँ। कन्हैया सोचे, मैं तो सभी का पुत्र हूँ, सभी का पिता हूँ, सभी का दादा भी हूँ। जीव जैसा भाव रखता है उसी भाव के अनुसार मैं उसे प्रेम करता हूँ। एक बार जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान आप ही मेरा स्वयंवर क्यों नहीं कर लेते। तो भगवान ने कहा, देखो अगर मैं तुमसे शादी करूँगा तो मैं सिर्फ तुम्हारा पति होऊँगा, और तुम मुझे भगवान करके मानोगी तो तुमसे मेरे सारे रिश्ते होंगे। मैं तुम्हारा भाई भी हूँ, मैं तुम्हारा पति भी हूँ, मैं तुम्हारा माता पिता भी हूँ, मैं तुम्हारा बालक भी हूँ, मैं सब हूँ। और जब तुम्हारा चीरहरण होगा उस समय मेरा रोल होगा, जब तुम्हें 12 वर्ष का वनवास होगा तब मेरा रोल होगा। भगवान को तो सब पता था। तो भगवान ही एक ऐसे हैं, उनसे हमारा हर संबंध, और किसी से हर संबंध है। पति से पुत्र का संबंध हो जाएगा, पति से माता पिता का संबंध हो जाएगा, बोलिए, और भगवान से हर संबंध। तो भगवान ही ऐसे विलक्षण हैं कि उनसे हमारा हर संबंध, उनसे संबंध बनाइए, उनसे भ्रम संबंध बनाइए, उनसे प्रेम करिए और उनसे हर संबंध निभाइए। भाई बहन नहीं हो सकता, बहन भाई नहीं हो सकती, पर भगवान सब कुछ हो सकते हैं। मालिन की बहुत भावना थी, इससे लाला ने कहा, माँ मुझे फल दे। लाला ने मालिन को माँ कहा,
और मालिन को अतिशय आनंद हुआ। ये सोच रही है कि लाला को क्या दूँ, उसके हाथ में अंगूर है, जामुन है। मालिन लाला पर निछावर हो जाती है। उसने कहा, बेटा आज मुझसे भूल हो गई, मैंने तुमसे अनाज मांग लिया, अब मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, हर रोज़ तुम्हारे लिए सरस फल ले आऊँगी। बेटा मेरी बहुत इच्छा है कि जब मैं फल लेकर आऊँ तब तुम बाहर आ जाना। मैं ऐसा आग्रह नहीं कर रही कि तुम मेरी गोद में बैठना, पर तुम्हारा मन हो जाए तो मेरी गोद में बैठना, मुझे बहुत आनंद होगा। मालिन कह रही है, पर लाला तो कुछ सुना ही नहीं था। हाथ में फल आ गए तो वह दौड़ता हुआ घर में भाग जाता है और साथ में मालिन का मन भी चोरी करके ले जाता है। मालिन के पास अब मन नहीं है, वह तो पागल सी हो गई है। वह स्वप्न देखने लगी कि कन्हैया मेरी गोदी में बैठा है, कन्हैया मुझे माँ कहकर बुलाता है। मालिन को ऐसा मन हुआ कि मैं यहीं रह जाऊँ, यशोदा माता मुझे दासी बनाकर रखें तो अच्छा है ना। बोला, कुछ भी सेवा मिले, भगवान के द्वारे पे मिले तो कुछ भी सेवा मिले, हर सेवा करने के लिए तैयार हो जाइए। मैं तुझ से तुझकार करूँगी, घर का झूठा खाने देंगे तो भी मेरा काम चल जाएगा, मैं अपने घर जाना नहीं चाहती। इस तरह मालिन के घर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, पर घर तो जाना ही था पड़ेगा, अन्यथा घर के सब लोग खोजते हुए आ जाएंगे। उसने टोकरी सर पर रख ली और लाला का स्मरण करते हुए घर पहुंच गई। घर आकर देखा तो उसकी टोकरी रत्नों से भरी हुई थी। बोलिए, ससुराल भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। एक एक रत्न लाख लाख रुपए का था। उसके जन्म जन्म का दारिद्र लाला ने दूर कर दिया। लाला का प्राण मेरे आंगन में आया, जीव दीन नहीं रहेगा। मेरे आंगन में आया, जीव दीन नहीं रहेगा। आप जो कथा सुन रहे हैं, प्रभु के नाम का जप कर रहे हैं, जो दान दे रहे हैं, इन सब सत्कर्मों का पुण्य रूपी फल कृष्ण को अर्पण कीजिए, है ना। जो भी आप जप कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहने सब भगवान को अर्पण कीजिए। कोई भी अच्छा कार्य करने के बाद उसे भूल जाइए। जो अपने कर्म रूपी पुण्य का फल भगवान को अर्पण करता है, उसकी टोकरी भगवान रत्नों से भर देते हैं। हमारे गुरु क्या कहते हैं, बी अ रेनबो इन somebody else's लाइफ, है ना। किसी का दुख दूर करो, सबसे अच्छी से सत्संग सुनाओ, कथा सुनाओ, संकीर्तन करो, किसी का दुख दूर करो, तन मन धन से सबकी सेवा करो। मानव की बुद्धि भी टोकरी जैसी है, प्रेम लक्षणा भक्ति रतन सदृश है। अपने लिए सत्कर्मों के फल श्री कृष्ण को अर्पण करने से बुद्धि में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रस्फुटित होती है। मालिन को टोकरी कन्हैया ने रत्नों से भर दी, उसका प्रकाश चारों ओर फैल गया है और प्रकाश में बाल कृष्ण दिखाई देते हैं। दाईं ओर कृष्ण, बाईं ओर कृष्ण, आगे कृष्ण, पीछे कृष्ण, भीतर कृष्ण, बाहर कृष्ण, श्री कृष्ण के सिवाय उसे और कुछ भी नहीं दिखाई देता। श्री कृष्ण दर्शन में अति आनंद में वह तन्मय हो गई और चारों ओर श्री कृष्ण दर्शन करते हुए कीर्तन करने लगी। अब उसका भाव सिद्ध हो गया, वासुदेव सर्वम। इधर बाल कृष्ण अंगूर लेकर घर में जाते हैं और माता से कहते हैं, माँ मैं अंगूर लेकर आया हूँ। यशोदा माँ के मुँह में अंगूर देते हैं। यशोदा माता को आनंद होता है, ये अंगूर कहाँ से लाया, ऐसे मधुर अंगूर तो मैंने कभी नहीं खाए। दासी ने कहा, कन्हैया बाहर गया था, वह एक मालिन की गोद में बैठा था, इसने मालिन को माँ कहकर पुकारा, तब मालिन ने ऐसे अंगूर दिए। यशोदा माता को यह सुनकर जरा भी बुरा ना लगा। हमारे अंदर कितनी जेलसी होती ही नहीं, यशोदा मैया के अंदर जरा भी नहीं। सब गोपियाँ कन्हैया से प्रेम करती हैं, मालिन से भी माँ क्या के पुकार रहा है, पर माँ यशोदा मैया खुश हो रही हैं। आज जब लाला को आशीर्वाद
कह रहे हैं आज सब लाला को आशीर्वाद देते हैं, इससे मेरा पुत्र सुखी होगा। आज सुबह से कन्हैया सभी गोपियों को, ग्वालों को, मित्रों को अंगूर देता है, फिर भी टोकरी भरी ही रहती है, प्रेम है ना। यशोदा माता ने सोचा कि आज लाला को आशीर्वाद देने के लिए अन्नपूर्णा माता मेरे घर आई होगी। श्री कृष्ण की लाला सुनने से श्री कृष्ण में श्रद्धा उत्पन्न होती है, श्रद्धा से सेवा स्मरण करने से धीरे धीरे श्रद्धा आसक्ति में परिणत हो जाती है। हमारा सत्संग, सेवा, सुमिरन, भजन सब आसक्ति बन जाना चाहिए। आसक्ति में ही सुख है, ध्यान दीजिएगा, आसक्ति में ही सुख है। जहाँ हमारी आसक्ति हो जाए वहीं सुख मिलता है, पर संसार की आसक्ति दुख देती है और भगवान की आसक्ति सुख देती है। भक्त स्वरूप, भगवत स्वरूप में मन आसक्त बनता है। स्वरूप और नाम स्मरण में आसक्त होकर जो भक्ति करते हैं उनकी भक्ति व्यसन रूप हो जाती है। भक्ति जब व्यसन रूपा हो जाती है तब उसे प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति वासना का विनाश करती है और प्रेम लक्षणा भक्ति भगवान को बांधती है। जीव जब ईश्वर को बांधता है तब माया के बंधन से मुक्त हो जाता है और गोपियों का प्रेम अति बढ़ गया, गोपियां प्रेम से लाला को बांध देती है। अगासुर का उद्धार और ब्रह्मा जी का मुंह। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सभी ग्वाल बालों से कहा, देखो आज बाल भू घर में से ना करके जंगल में ले चलेंगे, आज हम वहाँ पिकनिक करेंगे। सब लोग अपने अपने घर से बनवा के ले चलो, वन में ही खाएंगे, पिकनिक करेंगे। सभी ग्वाल बालों को साथ लेके वे श्री कृष्ण वृंदावन जा करके वहाँ लीला करने लग गए। कोई हंस के जैसे चल रहा है, अब सब ग्वाल बाल, कोई हंस के जैसे चल रहा है, कोई मोर के जैसे नाच रहा है, कोई बगलों के जैसे ध्यान लगा के बैठा है, कोई बंदरों की पूछ पकड़ के खींच रहा है। कितने शैतान हैं ग्वाल बाल, आप कल्पना कर सकते हैं। ग्वाल बाल बंदरों से भी ज़्यादा शैतान हैं। बंदर सबको तंग करते हैं, ग्वाल बाल बंदरों को भी तंग करते हैं। उनकी ततने मुख बनाते तो ग्वाल बाल भी वैसे ही चेहरा बनाते। एक अघासुर नाम का दैत्य था, वो ये सारी लीला देख रहा था कि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ कितने आनंद से खेल रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है इन्हें। उससे ये आनंद देखा ना गया, चिढ़ गया। अघ माने पाप, पाप माने जो किसी के सुख को देख करके चिढ़ने लग जाए तो सोच लेना कि इसके अंदर अगासुर का प्रवेश हो जाए। जब हम किसी दूसरे का सुख देख के चिढ़ जाएं, है ना, दूसरे का सुख देख के चिढ़ जाएं, तो हमारे अंदर कौन आ गया? अगासुर। जेलसी, ईर्षा, चिड़न, कुड़न, कंपैरिजन, ये सब अगासुर है। जिसके अंदर पाप होता है ना, वे दूसरे की उन्नति और सुख देख करके चिढ़ता है। अगर हम दूसरे को देख के चिढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर पाप है। अगासुर था, वो चिढ़ने लग गया। उसने सोचा विघ्न डालो। बड़ा विशाल अजगर बनकर बैठ गया। पहाड़ को जैसा उसका मुख, गुफा के वेश में बड़ी बड़ी उसकी दाढ़ें, जीभ उसकी लग रही थी रास्ते की जैसी। जीभ कैसी थी? रास्ते के जैसे। ग्वाल बाल ने कहा, देखो कितनी सुंदर गुफा है। दूसरे ग्वाल बालों ने कहा, गुफा है या अजगर? अब उन्हें कभी गुफा लग रही है, कभी अजगर लग रहा है। तीसरे ने कहा, अजगर भी होगा तो हमारा क्या बिगाड़ेगा, श्री कृष्ण तो साथ है ना, हमें ही पक्का होना चाहिए भगवान साथ है, भगवान साथ है। ऑलवेज फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। भगवान मेरे साथ हैं, गुरु मेरे साथ हैं, भगवान मेरे साथ हैं, गुरु मेरे साथ हैं। आपको कभी डर नहीं लगेगा। बंदर आ जाते हैं, बच्चों को डर लगता है, वो हनुमान चालीसा करने लगते हैं, है ना। भगवान की प्रेजेंस को फील करिए, गुरु की प्रेजेंस को फील करिए। ताली बजाते हुए ग्वाल बाल बच्चों को लेकर घुस गए उसके अंदर। श्री कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना अधिक भरोसा मेरे पर। जानते हैं कि अजगर भी हो सकता है, उसके बाद भी मेरे भरोसे सब लोग ताली बजाते हुए उसके मुख में प्रवेश कर गए। श्री कृष्ण भक्तवत्सल हैं। ग्वाल बाल जैसे ही अगासुर के मुख में प्रवेश किए, श्री कृष्ण दौड़ करके स्वयं उसके मुख में प्रवेश कर गए। जय हो, जय हो। तभी
अब तो श्री कृष्ण ने उस अपने शरीर को इतना बढ़ा दिया कि अघासुर अपने मुख को बंद करने में असमर्थ हो गया। फिर और भी इतना बढ़ाया कि उसकी श्वास आना जाना भी बंद हो गई, वो छटपटाने लग गया और ब्रह्म रंध्र से उसके प्राण निकल गए। उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर बाहर प्रतीक्षा करने लगी। भगवान कृष्ण ने पहले ग्वाल बालों को बाहर निकाला, फिर स्वयं निकले। अघासुर के शरीर से निकली ज्योति भगवान श्री कृष्ण के शरीर में समा जाती है और उसका उद्धार हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अघासुर से देवता लोग बहुत डरते थे, है ना। आज उसका उद्धार हुआ, देवता लोग धुंध भी बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लग गए, बड़ा सुंदर संगीत वृंदावन में होने लग गया। इतना सुंदर संगीत यमुना पुलन पे हो रहा था कि ब्रह्मा जी को भी ब्रह्मलोक तक सुनाई दिया, ब्रह्मा जी को भी सुनाई देने लगा। अब ब्रह्मा जी ने सोचा इतना सुंदर संगीत हो रहा है, चलो हम भी सुनकर आते हैं। इधर ग्वालबाल को भूख लगी थी, सब लोग भगवान के साथ बैठकर भोजन करने लगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, बीच में श्री कृष्ण बैठे हैं और सब ग्वाल बाल मंडलाकार लगा के बैठे हैं, चारों तरफ बैठे हैं। आपने फोटो देखी होगी, लेकिन भगवान की ऐसी लीला है कि सभी ग्वाल बालों को ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे श्री कृष्ण हमारी तरफ ही देख रहे हैं। ये भगवान ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जो भी सामान लाया था घर से, उसके पत्तल पर, किसी ने पत्तल पे रखा, किसी ने पत्थर पे, किसी ने वस्त्र पर, सब निकाल कर रख लेते हैं। अब तो सब एक दूसरे का सामान उठा के खाने लग गए और दोनों हाथों से खाने लग गए, भूख लगी थी ना। भगवान, अब देखिए भगवान कितने कितने लीलाधारी हैं। एक उंगली में आम का अचार, एक में नींबू का अचार, एक में टेंटी का अचार लगाया और सबको चटाने लगे, साथ में दूसरे हाथ से सबको दही भात भी खिलाने लगे। ऐसे प्रेमी है भगवान, अब आप मत करने लग जाइएगा, ये तो भगवान की लीला है। अब एक इसमें का छोटी सी कथा और आती है, डोंगरे जी महाराज की भागवत जी में है कि शांडिल्य ऋषि जो थे तो वो सुबह से रात तक अपना भजन में लगे रहते थे और रात को फलहार करते थे, और उनकी पत्नी भी उन्हीं के साथ फलहार करती थी पूर्णमासी। पर उनका बेटा था मधुमंगल, तो जो पूर्ण मधुमंगल जो था उससे भगवान ने कहा, वो भगवान के यहाँ रोज़ प्रसाद पाता था, वो यशोदा मैया ने कह रखा तो हमारे यहाँ प्रसाद पा लिया कर, तो भगवान ने कहा तू तो रोज़ मेरे घर का आता है, तू भी तो कुछ बना के ला। तो मधुमंगल ने कहा अपनी मैया से, मैया मैं भी कुछ बनाऊँगा। तो मैया ने कहा अच्छा, घर में तो कुछ था नहीं क्योंकि वो केवल फलाहार करते थे, थोड़ा सा बासी मट्ठा रखा था, तो माँ ने उसकी कढ़ी बना दी। अब मधुमंगल सोचने लगा कि मैं कन्हैया को बासी कढ़ी कैसे, खट्टी कढ़ी कैसे खिलाऊं, तो खुद पी जाता है सारी, तो थोड़ी जल्दी जल्दी पीता, उसके मुँह में बिखर गई थी। तो जब उसके मुँह पर थोड़ी लगी रह गई थी तो भगवान ने कहा इसकी कुछ तो पुण्य बने, तो भगवान उसके मुँह को चाटने लगे। तभी ब्रह्मा जी ने देख लिया, तभी ब्रह्मा जी ने देख लिया, बोले ये कैसे भगवान है। तो उन्होंने सोचा ये कैसे भगवान है। तो ब्रह्मा जी ने आकर ये सब देख रहे थे, तो उन्होंने सोचा ये तो धर्म नहीं है, दोनों हाथों से खाना भी धर्म नहीं है, झूठा खाना भी धर्म नहीं है। ब्रह्मा जी ने सोचा ये भगवान है, धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिए हैं, ये ऐसा कैसे काम कैसे कर सकते हैं, ये भगवान है भी कि नहीं। ब्रह्मा जी को संदेह हो गया, ब्रह्मा जी ने सोचा परीक्षा करूँगा। उनके बछड़ों को दूर दूर ले गए चराने के लिए, उनको बेहोश करके ब्रह्मा जी ने गुफा में छुपा दिया। और भगवान कृष्ण बछड़ों को खोजने गए तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल को उठा करके गुफा में छुपा दिया। भगवान कृष्ण ने सोचा ये हो क्या रहा है, इधर बछड़े नहीं मिल रहे, उधर ग्वाल बाल नहीं मिल रहे। ध्यान से देखा, अच्छा ब्रह्मा जी तुम्हारी करतूत है, 5 वर्ष पहले तो तुम कारागार में मेरी स्तुति करने आए थे और इतनी जल्दी भूल गए कि मैं भगवान हूँ। चलो अब तुमने जो किया उसका फल तुम्हें मिलेगा, तुम सृष्टि के रचनाकार हो ना, मैं एक विलक्षण सृष्टि के द्वारा तुम्हें इसका जवाब दूंगा।
ब्रह्मा जी इन सारे संसार की सृष्टि करते हैं, पर आज कृष्ण स्वयं सृष्टि की विलक्षण लीला है, ध्यान से सुनिएगा। क्या सृष्टि की? जितने ग्वाल बाल हैं, जितने बछड़े हैं, जितने डंडे हैं, जितने कपड़े हैं, जितने छीके हैं, जड़ चेतन जितना गायब हुआ है, श्री कृष्ण स्वयं सब रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये भगवान की भगवत्ता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब देखिए खास बात, जड़ चेतन सब कुछ भगवान बन गए, वस्त्र, डंडा, ग्वाल बाल, बछड़े सब भगवान बन गए, सब कुछ। तो आपको अब सब कुछ कौन बन गया है? तो ऐसी निगाह बना दे कि मैं तुझे हर जगह पाऊँ। तो गुरु पक्का कराते हैं कि सब कुछ भगवान है ही भगवान। बिना प्रकृति के, बिना पंचभूतों के, बिना कर्म वासना के भगवान श्री कृष्ण ने एक विलक्षण सृष्टि करी जो कृष्ण में सृष्टि थी। ऐसी सृष्टि को प्रकट कर भगवान खेलने लग गए। ग्वाल बाल भी हैं, बछड़े भी हैं। आज हम सब भी ऐसी दृष्टि लेकर जाएं कि सब कुछ कृष्ण में है। आज हम सब लोग ऐसी दृष्टि लेकर जाएं कि सब कुछ भगवान है, सब कुछ कृष्ण में है। लेकर जाएंगे? भगवान की इस लीला के दो कारण हैं। एक तो ब्रह्मा जी के मोह को दूर करना था, और दूसरा यशोदा जी जब बाल कृष्ण को दूध पिलाती थी तो गोपियों और गायों के मन में भी अभिलाषा होती थी कि क्या कभी कन्हैया भी हमारा दूध पिएगा। भगवान तो भक्तवांछा कपल कल्प तरु हैं। आज भगवान को ब्रह्मा मोह के साथ इस लीला के लिए भी अवसर मिला। क्यों? आज जितने बछड़े हैं सब श्री कृष्ण हैं, जितने ग्वाल बाल हैं वे सब श्री कृष्ण हैं, और श्री कृष्ण स्वयं श्री कृष्ण तो हैं ही। जब वे घर जाते हैं जाते थे शाम को, तो बछड़े गैया का दूध पीते थे और ग्वाल बाल मैया का दूध पीते थे। जब ग्वाल बाल अपनी मैया का दूध पीते तो उन्हें ये अनुभव होता कि श्री कृष्ण हमारा दूध पी रहे हैं, और वास्तव में श्री कृष्ण तो थे ही। तो भगवान ने एक साल तक उनकी इच्छा पूरी करी सब गोपियों की कि भगवान ने स्वयं उनका दूध पिया, और गायों की भी इच्छा पूरी करी, उनके बछड़े उनका दूध पीते थे, वो श्री कृष्ण थे। एक वर्ष तक ये लीला चली। एक वर्ष तक उन माताओं को, गोपियों को, गायों को प्रभु ने आनंद दिया। ब्रह्मा जी लौट कर उधर आए, तब तक वृंदावन का एक वर्ष व्यतीत हो गया था। यहाँ आकर देखा तो श्री कृष्ण ग्वाल बाल बछड़ों के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने गुफा में देखा तो वहाँ सभी बछड़े व ग्वाल बाल बेहोश पड़े थे। इधर देखा तो भगवान सबके साथ खेल रहे हैं, उधर गुफा में देखा तो सब बेहोश पड़े हैं। कौन सच्चे कौन झूठे ये ब्रह्मा जी को पता लगाना मुश्किल हो गया। वो सृष्टि सच्ची है, ये सृष्टि सच्ची? ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता है ना, उसी से जवाब दिया कन्हैया ने ब्रह्मा को। अहंकार का नाश किया उनके। अब ब्रह्मा जी ने और ध्यान से देखा कि जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल बाल थे, सब के सब श्री कृष्ण रूप दिखने लग गए। ब्रह्मा जी समझ गए कि जो श्री कृष्ण है वही भगवान है, और जो भगवान है वही श्री कृष्ण है। बोलिए लीलाधारी भगवान की जय। ब्रह्मा जी साष्टांग लेट गए श्री कृष्ण के चरणों में और माफ़ी मांगने लगे। ब्रह्मा जी लोटपोट होकर चारों मुखों से प्रणाम करते हैं। भगवान को प्रणाम करके ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। हे नंदा बाबा के लाल, वास्तव में स्तुति करने योग्य तो आप ही हैं। हे मेघ श्याम, हे पीताम्बरधारी, हे गुंजा की माला पहनने वाले, वन माला पहनने वाले,
हाथ में कमल और भेंट लिए हुए वास्तव में तो स्तुति करने योग तो आप ही हैं। ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। देखिए बड़ी सुंदर बात कही ब्रह्मा जी, प्रभु हम तो आपके बालक हैं, बालकों से गलती होना स्वाभाविक है, बच्चे तो गलती करते ही हैं। जैसे माता के घर में शिशु जब उछल कूद करता है तो माता खुश होती है, बच्चे जब पेट में होते हैं तो माँ को लात मारते हैं, कभी हाथ मारते हैं तो माँ खुश होती है, बच्चा चैतन्य है, उसको थप्पड़ नहीं मारती, जानती है बालक चैतन्य है। ऐसे ही सारा संसार आपके उदर के अंदर है, हम सब भगवान के उदर के अंदर है। इसमें अगर कोई बालक उछल कूद करे तो जैसे माता अपने गर्भ के बालक को माफ़ करती है, ऐसे ही भगवान आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा सुंदर भाव है ब्रह्मा जी का। भगवान से हम भी माफ़ी मांगें कि भगवान हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, हम आपके बालक हैं, हम नादान हैं, हमें समझ नहीं है, भगवान हम तो आपके हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु ब्रह्मा बनाकर आपने मुझे बहुत बड़ा पद दिया, लेकिन आज ग्वाल बालों के साथ मैंने जो आपकी लीला देखी, एक दूसरे का झूठा खा रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं, अब मेरी इच्छा बदल गई है। भगवान ने पूछा क्या? ब्रह्मा जी बोले, यदि मेरा अगला जन्म हो तो मेरे को ब्रह्मा मत बनाना, इस ब्रज में जन्म दे देना। अब ब्रह्मा नहीं बनना चाहते, देखिए ब्रज में जन्म लेना चाहते हैं। भगवान ने पूछा, ब्रज में क्या बनना चाहते हो, ग्वाल बाल? ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं इतना पुण्य नहीं है मेरा, तो क्या बनना चाहते हो? आप मुझे इस ब्रज में कोई वृक्ष बना देना, कोई लता पता बना देना, इन ग्वाल बालों की चरणों की धूली पड़ जाएगी तो मेरे जीवन में श्री कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करी और ग्वाल बालों को वापस देकर ब्रह्मलोक को चले गए। भगवान बछड़ों को लेकर वृंदावन वापस आ जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।